ये शरीफों का घर है इंस्पेक्टर साहब, कम से कम आपको इजाजत लेकर आना चाहिए। आप लोग कितने शरीफ हैं वो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए हमारे साथ थाने चले। मगर क्यों, मैंने क्या किया है, क्या कसूर है हमारा? चलकर पता चला क्या आपका क्या कसूर है? चलो ले चलो, वारंट दिखाओ पहले मुझे। आप क्या कर रहे हैं, बिलाप कर रहे हैं? मास्टर साहब को आपने लॉकअप क्यों किया है? हफ्ते बेजा में रखा है उन्होंने एक बच्ची को। किस बच्ची को, क्या नाम है उस बच्ची का? अरीज नाम है उस बच्ची का। अरीज, अरीज मेरी बेटी है और जिनको आपने लॉकअप किया है वो मेरे अब्बा हैं। सलमान साहब आपका काम हो गया है, अब बताइए आगे क्या करना है। डैड से बात करें। जीएसएचओ साहब। सर मास्टर साहब को तो हमने हवालात में बंद कर दिया है, मगर उसकी बेटी आ गई है और बड़े सवाल जवाब कर रही है। अरे एसएचओ साहब, उसके सवालों के आपसे बेहतर जवाब कौन दे सकता है? अपने माँ बाप की बातों में आकर ये भी भूल गए कि मैं मोहब्बत हूँ तुम्हारी, उस घर की इज्जत हूँ, तुम्हारी बेटी की माँ हूँ। काश तुम आकर देखते तो सही, मैं थाने की बेंच पर बैठी हूँ, मगर अल्लाह सब देख रहा है। सलमान, तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया। ये देखो, इस लड़की से बहुत जल्द मैं शादी करने वाला हूं। कैसी लगी तुम्हें? तुम्हारे जैसी घटिया थर्ड क्लास। अरे यार, अब इसमें जेलस होने वाली कौन सी बात है? मेरा तुमसे कोई कल्बी रिश्ता नहीं। जो दूसरी औरत मुझे तकलीफ दे। मेरी तुमसे कोई नाराजगी नहीं है सब। असली जंग और इस जंग में मैं कब की हार चुकी हूं, बल्कि मैंने खुद ही हार मान ली थी। अब तो अपना लो। मुझे लगता है आसरा के आजकल बहुत कम लोग हैं जो अपना गोल सही सेट कर पाते हैं और इसीलिए सक्सेसफुल भी नहीं होते। You mean, आपकी सारी सक्सेस का क्रेडिट आप सिर्फ अपने आप को देते हैं? जाहिर सी बात है, और किसको दोगे? जिंदगी के किसी भी मैदान में मैं ये सोचकर उतरा ही नहीं कि मैं हारूंगा। This is for you. I don't think I can pull off this sari. आप इसमें और भी खूबसूरत लगेंगी। भरोसा रखिए। कभी धूप सी कभी छाव सी है लगे तू, चले हाथ को कभी थाम के, कभी थाम के छोड़ दे मेरा दाग जिंदगी तू। कैसे कैसे रंग कुछ नहीं अम्मा, मेरा मतलब है कि आप प्लीज हमीदा आंटी को मना कर दें। नहीं, मैं तो मना नहीं करूंगी इतनी जल्दी। अच्छा है और अब तो तुम भी उससे मिल ली हो। उसकी मैं सोच रही हूँ सर्वर से डिस्कस करूँ, उसकी भी तो राय पता चले। सुल्तान, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। और आपसे शादी करना चाहती हूँ। गुड चॉइस। लेकिन आपके लिए ऐसे जज्बात नहीं रहते।
माने ना माने दिल के तू मेरा नहीं। रायान हमारे सारे एसेट्स अपने ससुर के बिजनेस में लगाकर घर दामाद बनने की तैयारी कर रहा है। रायान की सारी डोरें उसकी बीवी की उंगलियों में। तुम जॉब करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, नौकरियां करना तुम्हारा गोल नहीं है। तुम शेख फुरकान के बेटे हो और उनका बिजनेस संभालोगे। But I'm not interested. मैं नहीं हूं इंटरेस्टेड। उसके लिए भाई और डैडी है ना। रायान अब इस काबिल नहीं रहा कि उस पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सके या सारा बिजनेस उसके हवाले किया जा सके। लेकिन जो कुछ उसके हाथ में है, मुझे तो उसकी भी फिक्र है। अस्सलामुअलैकुम मिस सरीन, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप मेरे ऑफिस में भूल आई थी, मैंने सोचा इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं आपको दे दूँ। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। वैसे भी मेरा मानना है कि जब किसी को मोहब्बत मिल जाती तो उसे किसी और की दुआ की जरूरत नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। बस यही कहने आया था कि मैं तुम्हारा बारे में पहले से भी ज्यादा सोचता। जिंदोल यार, मैंने फैसला कर लिया वापस आने का। मर्जी तुम्हारा है, लेकिन इधर हालात ठीक नहीं है। चनार खान का आदमी हर तरफ जासूस बनकर फैला हुआ है। मैं क्या सारी जिंदगी बाहर होऊंगा? तुम कौन इसे मना नहीं करता है, लेकिन फैसला तुम्हारा है, खतरा भी इधर टला नहीं है। घर का माहौल बदलने का इससे बेहतर और कोई मौका नहीं हो सकता। अब बरलास और पाना की शादी करते हैं। उसको खुला छोड़ो, दूर से उसके ऊपर नजर रखो। जी बाबा। हमने महसूस किया है कि जमदा आजकल कुछ परेशान रहता है। तुमको मालूम है वो किस बात पर परेशान है? इसलिए बहुत सोचा है और फैसला किया है कि बरलास और अपाना का शादी बनाया जाए।